मुस्तफा का प्यारा है। फातिमा का शहजादा, जिसको फातिमा के शहजादे से प्यार है वही कहे गया हुसैन। मुस्तफा का प्यारा मुस्तफा का प्यार। और जानते हो इमाम हुसैन के जान का सौदा पैदा पैदा होते ही हो गया। सब जानते थे कि ये शहजादा कल करबला के मैदान में इस्लाम के लिए शहीद हो जाएगा, और वैसा ही मेरे हुसैन ने किया, वैसा ही किया। सुनो, जिसने दीन की खातिर अपना सर कटा डाला, जिसको हुसैन से प्यार है हाथ उठा के कह दो या हुसैन, राम मदद की कहो या हुसैन, राम भाई आप आ गए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जिसने दीन की अगर हुसैन पावर वाले थे तो तहले फुरात को अपने खेमे में क्यों नहीं बुला लिया था? हुसैन को ईमानदारी से बताना, अगर मेरा हुसैन चाहता तो सूरज को निचोड़ देता तो उससे भी पानी निकल आता। मेरा हुसैन अगर चाह लेता तो एक इशारा करता कयामत तक करबला में बारिश ही होती रहती है। तो जरा जवाब दियो। तो मैंने इसका जवाब तो अजमेर के मेरे ख्वाजा ने दे दिया। कहा कैसे? मैंने कहा एक बात बताओ, अजमेर में गरीब नवाज में पानी बंद कर, ये भारतीय हिस्ट्री है, भारत के हिस्ट्री में लिखा हुआ है। अगर न समझ में आई तो ये बीए करे हैं तो उसे पूछ लियो, मध्यकालीन इतिहास में ये लिखा हुआ है, बीए थर्ड ईयर में मैं पढ़ा। ये था कि जब अन्ना सागर पर पहरा बिठा दिया गया तो गरीब नवाज खुद नहीं गए, अपने गुलाम को भेजा। गरीब नवाज खुद नहीं गए, अपने मुरीद को भेज दिया। पूरा अन्ना सागर एक कटोरे में सिमट गया। ए आका हुसैन, जब आप पे करबला पे पानी बंद किया गया तो आपने नहरे फोरात को अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? तो इमाम हुसैन की रूहानियत जवाब दे रही है, ए मेरे गुलाम तू भी समझ और जमाने को समझा दे कि अजमेर में इस्लाम फैलाना था और करबला में इस्लाम बचाना था। मेरे बेटे मोइनुद्दीन ने अजमेर में अन्ना सागर को बुला करके इस्लाम फैला दिया है और हुसैन ने नहरे फरात को डूब करके इस्लाम को बचा लिया है। तो सवाल है ना, चाहे दे तो करे बल पानी खुद चला आता। अच्छा एक बात ये भी सोचने वाली है यार, कि सबको मालूम था कि इमाम हुसैन शहीद हो जाएंगे, लेकिन
नबी ने दुआ नहीं किया कि अल्लाह ये करबला की मुसीबत से हुसैन से टाल दे, किसी ने जो जिसने दुआ किया बस यही दुआ कि अल्लाह मेरे हुसैन को करबला के मैदान में सब्र सा फरमा दे। या जोर से बोलो, चाहते तो करबल में पानी खुद चला आता, चाहते तो करबल में पानी खुद चला आता, कितना सब्र वाला है अरे फातिमा का शहदा, कितना सब्र वाला करबला में आया है फातिमा का शहजादा। सुनो, मेरा हुसैन करबला के मैदान में ऐसे नहीं गया। आज लोग कहते थे हम लोग 10 मुहर्रम को कुर्बान कराते थे, तो 10 मुहर्रम को बिरयानी जर्दा ये सब बनवा करके बांटा जाता था। इतनी मेहनत हो रही है, इस वक्त सुन लो ए हुसैनियो, हुसैन के नाम पे शरबत पिलाने वालों, हुसैन के नाम पे लंगर खिलाने वालों सुनो, आज हमारे आपके बीच में कुछ लोग दाढ़ी और टोपी के आमने ऐसा जुमला इस्तेमाल करते हैं कि कलेजा छिन जाता है। कुछ कहते हैं कि वो दो शहजादों की जंग थी, दोनों हक पर थे। एक शख्स तो आगे बढ़ के ये भी बोल देता है कि हर मोमिन जन्नत में जाएगा, तो यजीद तो अमीरुल मोमिनीन है, वो तो जन्नत में जाएगा ही जाएगा। आज कुछ लोग ये भी कह देते हैं शरबत हम पिलाते हैं, बिरयानी हम खिलाते हैं, खिचड़ा हम खिलाते हैं, लेकिन आज ये नक्द की बदमाश औलाद ये वहाबी देवबंदी अपने हमराहियों से गुफ्तगू करता है, तो कहता है कि शरबत पिलाना हराम है, कहता है खिचड़ा खिलाना हराम है, कहता है बिरयानी खिलाना हराम है। हम लोगों ने जब 10 मुहर्रम को बनवाया बिरयानी, तो एक पहुंच गया ये वहाबी, इसने कहा कि ये क्या है। मैंने कहा बिरयानी, काई का करे, मैंने कहा फातिहा होगा हुसैन के नाम पर, तो उसने कहा हुसैन बाबा को करबला में पहुंच जाता है, तो आगे बढ़ में गए पलट सुन, ये हम करबला पहुंचावे के लिए नहीं बनवाए, ये बिरयानी जो बने करबला पहुंचाने के लिए नहीं। तो उसने कहा तब इतना काकर खर्चा करवाना, सुन हम ये करबला पहुंचाने के लिए बिरयानी नहीं बांट रहे हैं, करबला पहुंचाने के लिए शरबत नहीं पिला रहे हैं, बल्कि यही से इमाम हुसैन को खिराज हकीकत पेश कर रहे हैं। ए आका हुसैन, आपको करबला में प्यासा तड़पाया गया था, आपको करबला में भूखा तड़पाया गया था। ए आका हुसैन, अगर मैं वहां मौजूद होता तो कहीं से आपके लिए पानी का इंतजाम करता मेरे आका, कहीं से आपके लिए खाने का इंतजाम करता मेरे आका। करबला में मौजूद नहीं थे, कलेजे से लगा के रखा है। ऐ आका हुसैन, आपको करबला में प्यासा तड़पाया गया था, यहाँ आपके गुलाम आपके नाम पे लोगों को शरबत पिला रहे हैं, यहाँ आपके गुलाम आपके नाम पे लोगों को बिरयानी खिला रहे हैं। कह देते हैं सुनो, कहते हैं कि इमाम हुसैन करबला में क्यों गए थे, तो यही हिंदुस्तान की सरजमी है। जरा मजा के बोलो सुभान अल्लाह, जरा उतार के बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न-ए-शहीद-ए-आज़म। सुनाए भैया की उधर पड़ी,
सुनाऊ तो इसी हिंदुस्तान की बात में सुना दू इसी हिंदुस्तान में ये आप जिस प्रदेश में रहते हैं इसको कहते हैं उत्तर प्रदेश। अभी बेटा इसी उत्तर प्रदेश के बगल एक प्रदेश है बिहार। बिहार में बुजुर्ग का आस्थाना है जिन्हें दुनियाएं सुननी है हजरत शरफुद्दीन यहिया मुनेरी के नाम से जानती है, जिनको मखदूमे बिहारी के नाम से जाना जाता है। यही मखदूमे बिहारी सूरत रघौर से दिल की दुनिया में बाहर पैदा हो जाएगी। यही मखदूमे बिहारी है, उनका एक मुरीद था। एक दिन मुरीद पहुंचा, कहा हुजूर मैंने फार्म भरा था हज के लिए, मेरा नंबर आ गया है, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ आपसे दुआ लेने के लिए, आप दुआ भी दे दीजिए और इजाजत भी दे दीजिए। मखदूमे बिहारी ने हाथ उठा के दुआ किया, जा अल्लाह ताला तुझे खैर वाफियत से पहुंचा दे। आज के जमाने में जो अभी जल्दी ही हज करने गए हैं 10-15 साल के अंदर, उनसे पूछो कि जब वो हज करने जाते हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचे 5 घंटे के बाद जद्दा लैंड कर जाता है प्लेन, 5-6 घंटे के बाद मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं। लेकिन उस जमाने में पानी का जहाज चलता था, हाजी ईद के बाद जाता था तो मुहर्रम के बाद वापस आता था। वो मखदूमे बिहारी का मुरीद सामान्य सफर बांधता है, आ जाता है बंबई और उसके बाद पानी के जहाज पे बैठ जाता है। अब जहाज चलना शुरू हो गया, आज पहला दिन गुजर गया, आज दूसरा दिन गुजर गया, आज चौथा दिन गुजर गया, चारों तरफ समंदर ही समंदर है, पानी ही पानी है, पानी की लहरें थपेड़ा दे रही है, ये चला जा रहा है। जाते जाते आज 10वां दिन गुजर गया, बीच में ठार में पहुंचा तो जहाज के पायलट ने ऐलान किया, आए लोगों, आए हाजियों, जहाज का मशीन खराब हो चुका है, जहाज का इंजन बंद हो चुका है, अब न ये आगे बढ़ सकता है न पीछे बढ़ सकता है। और सुनने में ये आया है, हमारा रडार बता रहा है कि समुद्री तूफान आने वाला है, बहुत जल्द हम लोग मौत करने वाला बनने वाले हैं। सारे लोग तौबा तिल्ला में लग जाते हैं, कोई सजदे में पड़ा रो रहा है, कोई रुकू में रो रहा है, कोई क़याम में रो रहा है, कोई दुआ करके रो रहा है। लेकिन ये मखदूमे बिहारी का मुरीद जहाज के किनारे आता है, बैठता है, समंदर की लहरों को देख रहा है, इसके आंखों से सारों कतार आंसू निकल रहे हैं। हाथ उठा के इसने अपने पीर को याद करना शुरू किया, या शर्फा मुनीरी मदद कर हमारी, या शर्फा मुनीरी मदद कर हमारी, या शर्फा मुनीरी मदद कर हमारी। क्या देखता है, समंदर से एक हाथ तुमदार होता है, आवाज आती है, ऐ दीवाने आ हाथ पकड़ ले, साहिल के पार उतार दिया जाएगा, ऐ दीवाने आ हाथ पकड़ ले, समंदर के पार उतार दिया जाएगा। ये मुरीद कहता है पहले ये बताया जाए ये हाथ किसका, पहले ये बताया जाए ये हाथ किसका है। आवाज आई, ये बड़ा मोतबर हाथ है, इसी एक हाथ से खैबर का वो दरवाजा जिसे 70 मजदूर खोलते थे, 70 मजदूर बंद करते थे, खैबर के दरवाजे को इसी एक हाथ ने उखाड़ करके फेंका था तो 20 फीट जाके दूर किया था। ये किसी और का हाथ नहीं, ये अली शेर खुदा का हाथ। अली शेर खुदा का हाथ है, हुजूर आप तशरीफ ले जाइए, मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। फिर इसने हाथ उठाया, हाथ समंदर में गायब हो गया। फिर मखदूमे बिहारी का ये मुरीद हाथ उठा के दुआ करता है, या शर्फा मुनीरी मदद कर हमारी, या शर्फा मुनीरी मदद कर हमारी। रोता जा रहा है, कहता जा रहा है, इतने में एक हाथ तुमदार होता है, आवाज आती है, ऐ दीवाने आ हाथ पकड़ ले, समंदर के पार उतार दिया जाएगा, ऐ दीवाने आ हाथ पकड़ ले, तुझे साहिल के पार उतार दिया जाएगा। इसने कहा पहले ये बताया जाए ये हाथ किसका है। आवाज आई, ये बड़ा पाकीजा हाथ है, इसी हाथ को करबला में यजीद ने मांगा था, नहीं दिया गया था। अब उस दीवाने ने कहा हुजूर आप ये मुझे हाथ पकड़ा रहे हैं, यही हाथ तो करबला में जब यजीद ने मांगा था, अगर आपने हाथ दे दिया होता तो अली अकबर बच गए होते, अली असगर बच गए होते, मुस्लिम बच गए होते और नो मोहम्मद बच गए होते। तो इमाम हुसैन की रूहानियत जवाब दे रही है, ऐ गुलाम सुन ले, यजीद शराबी था, यजीद चुआरी था, यजीद बेनमाजी था, और हुसैन अपनी गर्दन तो दे सकता है लेकिन शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। सुनो तो उसने कहा हुजूर जाते जाते एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। कहा सवाल का, कहा हुजूर करबला में टारगेट आप थे, इमाम हुसैन के बाद करबला में कोई शहीद नहीं हुआ।
इमाम हुसैन के तीन साहबजादे अली अकबर, अली औसर, अली असगर। अली अकबर और अली असगर कर्बला के मैदान में शहीद हो गए थे। अली औसर जिन्हें हम जैनुल आबदीन भी कहते हैं, अली औसर कर्बला में शहीद नहीं हुए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद अब दरख्वास्त कीजिए, उस दीवाने ने कहा हुजूर कर्बला में टारगेट आप थे तो तलवार लेके आप पहले तो नहीं चले गए थे, अगर आप पहले चले जाते तो अली अकबर बच जाते, आप पहले चले जाते तो अली असगर बच जाते, आप पहले चले जाते तो ओमर मोहम्मद बच जाते, आप पहले चले जाते तो मुस्लिम बच जाते, आप पहले चले जाते तो अब्बास का बाजू बच जाता। आप पहले क्यों नहीं गए, बाद में क्यों गए? तो इमाम हुसैन की रूहानियत जवाब दे रही है, ऐ मेरा गुलाम तू भी समझ और जमाने को समझा दे। हुसैन अगर मैदान में तलवार लेके पहले चला जाता तो जमाना ये कहता कि हुसैन अकबर को बचाने पहले गए हैं, हुसैन मुस्लिम को बचाने पहले गए हैं, हुसैन असगर को बचाने पहले गए हैं, हुसैन और मोहम्मद को बचाने पहले गए हैं। जमाना ये कहता हमारा हुसैन जिंदा है कि मुर्दा? जिसका चेहरा है हुसैन जिंदा है, हाथ उठा के कह दो या हुसैन। अरे यार नबी के तो आला शान है, मेरा हुसैन जिंदा, मेरा हुसैन जिंदा है। अब कैसे? तो सुनो, इसी उत्तर प्रदेश के एक जिले का वाकया। यही उत्तर प्रदेश में एक जिला है जबलपुर। जबलपुर में एक कस्बा है मछली शहर। मछली शहर में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी। सुनो गौर से, उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर, अंग्रेज हुकूमत कर रहा था हिंदुस्तान पर। उसी मछली शहर में एक दिन अंग्रेज गवर्नर की सवारी गुजरी। अंग्रेज गवर्नर की जब सवारी गुजरी तो अंग्रेज गवर्नर वही मछली शहर कस्बे में पहुंच कर कहता पालकी नीचे उतारो। पालकी नीचे उतारी गई, वो बाहर निकला, वो क्या देखता है कि सड़क के दाएं जाने एक आलीशान मस्जिद बना हुआ है जो राजा महाराजाओं ने बनवाया था। जब उस मस्जिद को देखा तो उसने पूछा वाटी दिस ये क्या है? तो उसके पीर ने आगे कहा कि माई लॉर्ड इसमें मुसलमान आके अपने गॉड को याद करता है। मुसलमान आता है तो नमाज पढ़ता है, ये मुसलमानों का प्रेयर खाना है, मुसलमानों की इबादत का है। उसने कहा कुछ नहीं, सड़क के बिल्कुल दाएं जानिब है, ये सड़क के बाजू में नहीं होना चाहिए। उसने ऑर्डर पास कर दिया तीन दिन के अंदर इस मस्जिद को गिरा दिया जाए। जब उसने इतना कहा उसके बाद वो चला गया। दूसरे दिन मछली शहर के जितने मुसलमान थे सब इकट्ठा हो जाते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं। वो मुसलमानों का गांव, उसमें सब पढ़े लिखे लोग थे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई लेक्चरर था, कोई प्रोफेसर था, कोई वकील था, कोई जज था। सब आपस में मशवरा करते हैं। एक वकील खड़ा होता है, कहा सुनो इंटरनेशनल पैनल कोर्ट के हिसाब से नाबालिग पर कोई सजा नहीं है, बालिग पर सजा है। तो जितने बालिग है मछली शहर छोड़ दे, जितने नाबालिग है सबको मस्जिद में बिठा दिया जाए। हो सकता है अंग्रेज देख करके कुछ तरस खा जाए, लेकिन ये अंग्रेज तन के गोरे मन के काले। तीसरे दिन आते हैं तोप लेकर के, गोला लगा के मस्जिद पर वार कर देते हैं। गोला दागा, मस्जिद शहीद हो जाती है और उसमें 319 बच्चे सबके शहीद हो जाते हैं। मुसलमानों ने उनकी मिट्टी मंजिल कर दिया, उनकी तकफीन कर दी। दूसरे दिन जबलपुर की अदालत में मुकदमा ठोक दिया। मुकदमा चलता रहा, आज एक महीना गुजर गया, आज दो महीना गुजर गया, आज तीन महीना गुजर गया। तीन महीने के बाद अंग्रेज जब आता है कुर्सी पे बैठता है, कहा मुसलमानों फैसले की घड़ी आ गई है, मुसलमानों आज मैं फैसला सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद पूरे मजमे में खुशी की लहर दौड़ गई। तो उसने पूछा पहले एक बात बताओ, तुम लोग अंग्रेजी संविधान के हिसाब से फैसला चाहते हो या अपने कुरान के हिसाब से फैसला चाहते हो? सारे मुसलमानों ने हाथ उठा के कहा जज साहब हम लोग अपने कुरान से फैसला चाहते हैं। कहा ठीक है, अगर अपने कुरान से फैसला चाहते हो तो ये अदालत की कुर्सी कल मछली शहर के कब्रिस्तान में लगाई जाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचा के बोलो सुभान अल्लाह।
समझ में आवे तो हम अंग्रेजी में बोलिए, फारसी बयान करिए। बच्चा के कहो सुभान अल्लाह, सुनो जरा कौन से। अब उसके बाद दूसरे दिन शोहरा हो गया, पास पास के जिले के लोग सुल्तानपुर इलाहाबाद फैजाबाद के मुसलमान कब्रिस्तान पहुंच गए। अंग्रेज जज की कुर्सी मछली शहर के कब्रिस्तान में लगाई गई। अंग्रेज आता है बैठता है जैसे जज बैठा, और बैठने के बाद पूछता है हाँ भाई वो 319 जो शोहदा है उनकी कब्रें कहाँ है, जो 319 बच्चे शहीद हुए हैं उनकी कब्रें कहाँ है। एक आदमी आगे बढ़ता है, रोने लगता है, कहा जज साहब क्योंकि हमारा कब्रिस्तान छोटा था इसलिए हम लोगों ने एक एक कब्र में तीन तीन चार चार बच्चों को दफन किया है। उसने कहा कोई बात नहीं, ये जो सामने कब्र है ये किसकी है, क्या इसमें तीन बच्चों को दफन किया गया है। जब इसने कहा कि तीन बच्चों को दफन किया गया है, अंग्रेज जज ने कहा इसी कब्र को खोद के दिखाओ। जब इसने कहा और माए कराम मुफ्तियाने कराम से फतवा लिया गया, मुफ्तियाने कराम इजाजत दे देते हैं कब्र खोद के दिखाया जा सकता है। और सुनो मुसलमानों, अगर दिल को छू जाएगा तो जोर से बोलना, जब कब्र की मिट्टी हटाई गई, पतरा हटाया गया, अंग्रेज छत की आंखें खुली की खुली रह गई, क्या देखता है कि उस कब्र में वो तीनों बच्चे बैठकर आपस में धक्का मुक्की करके खेल के नजर आ रहे हैं। सुनो मुसलमानों, अंग्रेज चढ़ने का जल्दी से कब्र पे मिट्टी चढ़ाओ, पटना रखा गया, मिट्टी चढ़ाया गया। अब उसने कहा मुसलमानों अब इसका फैसला कल जबलपुर की अदालत में दिया जाएगा। उसके बाद जबलपुर की अदालत खचाखच मुसलमानों से भर गया है। पहुंचा अंग्रेज जब पहुंचने के बाद कहता है, जैसे ही बैठा उसने कलम उठाया, कहा इस मस्जिद को गिराने में जितने लोग शामिल थे सबको फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब इतना कहा मजमे में सन्नाटा, अंग्रेज जज ने कहा यार तुम लोगों को खुशी नहीं हुई, किसी ने ताली नहीं बजाया, किसी ने नारा नहीं लगाया। एक आदमी खड़ा होकर कहता है जज साहब आपका ये फैसला हम लोगों को मंजूर नहीं है। कहा क्यों, क्या इससे भी बड़ा कोई फैसला होता है। आप ही ने हम लोगों से पूछा था कि अंग्रेजी संविधान से फैसला चाहे तो या अपने कुरान से, ये तो आपके अंग्रेजी संविधान का फैसला हो गया, हमारे कुरान का फैसला सुनाइए। अब जरा गौर से सुनना सुन्नियों, ऐ हुसैनियों, अगर तुम्हारे दिल में हुसैनी जज्बा है तो इन वहाबियों को जवाब देने के लिए आप इस जुमले को नोट करके लेके जाइएगा। जब इतना कहना था, इतना कहना था अंग्रेज जज, अरे हो जाए काली में दीन का इस्तकबाल कर ले नारा लगा। दीन मुस्तफाई पर आज भी न आने दी, फातिमा के लालों ने, फातिमा के लालों ने घर का घर लुटा डाला, फातिमा के लालों ने घर का घर। अब वो वाकया पूरा कर दूं जल्दी से ताकि मेरे बात खत्म हो जाए। मुफ्ती कुल पांच साल की तशरीफ लाए मुसलमानों ने कहा कि जज साहब आपका फैसला हमें मंजूर नहीं है। कहा क्यों, कहा इसलिए कि आपने कहा था अंग्रेजी संविधान से फैसला चाहते हो कि कुरान से, ये तो अंग्रेजी संविधान का फैसला हुआ, अब कुरान का फैसला सुना दीजिए। अगर सीने में हुसैनी दिल है तो कौन से सुनना। अंग्रेज जज अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। अब अंग्रेज जज कहता है सुनो अगर कुरान से फैसला चाहते हो तो सुन लो, आज के तीन साल पहले मैं फैजाबाद का जज बन के आया था, एक साल बीता था कि एक मौली साहब से मेरी मुलाकात हो गई थी। मौली साहब से जब मुलाकात हुई उनसे उठना बैठना हो गया तो मैंने एक दिन मौली साहब से कहा मौली साहब मैंने सारे लैंग्वेज सीखे हैं लेकिन अरबी लैंग्वेज नहीं सीखा है, आप मुझे अरबी पढ़ा दीजिए। मौली साहब ने कहा ठीक है। मौली साहब ने वो पाकी और नापाकी का तरीका बताया, उसके बाद वजू का तरीका बताया, अंग्रेज जज को पढ़ाना शुरू कर दिया। अंग्रेज जज इतना ज्यादा सही था कि साल भर के अंदर कुरान पढ़ लिया। अब साल भर के बाद मौली साहब इतना खुश हुए कि उसको एक मानेदार कुरान शरीफ ले जाकर पढ़वा दिया। कहा जज साहब अब आपको किसी
किसी मुअल्लिफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो अरबी लिखा है नीचे उसका मतलब लिखा है, उसका ट्रांसलेशन है, आप इसको पढ़ते जाइएगा, मतलब समझते जाइएगा। अब अंग्रेज जब बयान करता है, एक दिन मैंने कुरान उठाया, उठाने के बाद पहला पारा पढ़ना शुरू कर दिया, उसका तर्जमा पढ़ता गया, उसको उठा के बंद कर दिया। दूसरे दिन मैंने कुरान उठाया और उठा के जब दूसरा पारा पढ़ना शुरू कर दिया, थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि एक आयत मैंने पढ़ी जिसमें लिखा था वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून। इतना पढ़ना था, इसका माने माने पढ़ा तो कुरान बंद कर दिया। इसमें लिखा था कि अल्लाह की राह में जो मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, मैंने कुरान बंद कर दिया। मैंने कहा माजल्ला, ये तो झूठी किताब है, अरे जिसकी गर्दन मार दी जाए वो जिंदा कैसे हो सकता है, जिसका बाजू नोच लिया जाए वो जिंदा कैसे हो सकता है, जिसके जिस्म के चीखने उड़ा दिए जाए वो जिंदा कैसे हो सकता है। मैंने कहा माजल्ला, ये झूठी किताब है, मैंने बंद करके रख दिया। लेकिन आज जब मैं जवनपुर में आया तो जवनपुर की अदालत में जब मेरे सामने इन नन्हे शहीदों का फैसला आया तो मैंने सोचा कुरान में पढ़ा था कि शहीद जिंदा है मुर्दा नहीं है, मैंने सोचा लगे हाथ प्रैक्टिकल कर लिया जाए। इसीलिए मैंने कल तुम्हारे कब्रिस्तान में कब्र खोदवा करके देखा था। लो मुसलमानों ने पूछा जज साहब आप किस नतीजे पे पहुंचे, तो जज चीख करके कहता था, कहता है अरे लोगों सुनो सुनो, मैं इस नतीजे पे पहुंचा जब मछली शहर का ये नन्हा शहीद अपने कब्र में जिंदा है तो करबला का वो शहीद है के तलवों को चाट कर सब कुछ पाने वाला ये गुलाम बोल के जा रहा है। यह अभी मुहर्रम में चार दिन और बाकी है, कर लेना प्रैक्टिकल। ये हुसैनी जज्बे से बोल रहा हूँ, उलमा अहले सुन्नत बैठे हैं, इनकी चूतिया मेरे सर का ताज है। 11 कुल्हड़ शरबत पे फातिहा इमाम हुसैन का दिया है गुलाम, दो चबल है गुलाम, शरबत को अच्छा बनाना कुल्हड़ में रखना और उसके बाद इमाम हुसैन के नाम पर फातिहा दिला देना। एक कुल्हड़ अपना पी लेना और जो मिन्नत मान लोगे साल भर के अंदर हुसैन के करम से अल्लाह ताला तुम्हारी उस मिन्नत को पूरी कर देगा। और बचा कई कुल्हड़ जब एक पी लिया तब कई बचा जोर से बोलो 10 लोगों को पिला देना और उसी शरबत को कहना कि पी ले और मिन्नत मान ले और सुननी सुन ले। पिलाना तो कह देना, जब हुसैन के शरबत का ये कमाल है तो करबला के नन्हे शहीद का क्या आलम है। इसीलिए तो हम लोग बस यही एक इल्तिजा करते हैं, यहां से गुलाम पुकार के कहता क्या तुम्हारी ही प्यास को दरिया सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह।